नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता। आपको लगता है कि आप दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन तरक्की के रास्ते आपके लिए खुल ही नहीं पा रहे हैं। तो आज हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी आपकी बंद किस्मत का ताला खोलने के सिंपल उपाय लेकर आए हैं। गुरुदेव से आज हम जानेंगे कि तरक्की ना होने के पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं और जानेंगे खास उपाय जो आपकी मेहनत का आपको भरपूर फल देंगे और आपको आपका मनचाहा मुकाम भी दिलाएंगे। साथ ही जानेंगे आपकी राशि का पूरे दिन का हाल भी। तो गुरुदेव, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि मेहनत से मुंह ना मोड़ने वालों को उनका मनचाहा परिणाम आखिर क्यों नहीं मिल पाता है, इसके पीछे कौन से ग्रह दोष हैं? जो मेहनत करवाते हैं वो पॉजिटिव ग्रह करवाते हैं, यानी कि जिनको हम सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति बोलते हैं, ये मेहनत करवाते हैं और पॉजिटिव मेहनत करवाते हैं और एक खास मकसद के लिए, अच्छी मंशाओं के लिए, जीवन व्यापन के लिए इनके लिए मेहनत करवाते हैं। लेकिन आप देखिए, जन्म कुंडली के अंदर भी दसवां कर्म और ग्यारहवां लाभ का घर माना जाता है, ठीक है, इनके मालिक शनिदेव। तो ये शनिदेव किसके कॉम्बिनेशन से चलते हैं? बुध, शुक्र, राहु, केतु, इनके कॉम्बिनेशन से ये शनिदेव लाभ या हानि में ये हालात पैदा करते हैं। तो जो लोग सच में वाकई में बहुत मेहनत करते हैं उनकी तरक्की नहीं हो पाती, आगे नहीं बढ़ पाते, एक जगह आकर के स्टक हो गए हैं, समझे, मेहनत और बढ़ती जा रही है लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ रहे, तो आपको सिंपल तौर पे ये सोच लेना चाहिए कि जन्म कुंडली के अंदर पापी ग्रहों का टोला जो धनदायक होता है वो खराब हो गया। और ये पापी ग्रहों का टोला कौन सा है? ये है शुक्र, राहु, केतु और शनि। इनका खराब हो जाना, इनको हम जैसे ही थोड़ा अच्छा करते हैं, इनको पॉजिटिव करते हैं, इनसे संबंधित जो जानवर है उनको जब हम खुश करते हैं, इनसे संबंधित जो रिश्तेदार है उनको जब हम खुश करते हैं, तो ये वाकई में हमें बहुत ही असीमित लाभ देने में सक्षम होता है। अब मैं इसके उपाय आपको नॉर्मल वाले तो दूंगा ही, लेकिन जो बहुत खास और बहुत आराम से आप कर सकते हैं, पहले आपको बताता हूँ रिश्तों में। अगर आपके चाचा आपसे नाराज हैं, उनके साथ आपकी बोलचाल बंद है, आप लोगों में ईगो फंसी हुई है और एक दूसरे को अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो आपके लाभ के अंदर बाधा रहेगी, समझिए। ऐसी अवस्था के अंदर आप अपनी तरफ से ईगो छोड़ करके, अपनी तरफ से प्रयास करके अगर आप चाचा को मनाते हैं, जीजा को मनाते हैं, तो आपके लिए अति उत्तम हालात पैदा होंगे, यहीं से आपको लाभ मिलने शुरू होंगे। अब इनके जानवर, जो हम वो बताते हैं ना कि घर की पहली रोटी आदि गाय को, आदि से आदि कुत्ते को, आदि से आदि कौए को, तो जो गाय है वो शुक्र है, जो कुत्ता है वो केतु है और कौआ वो शनि है। तो इसको अगर आप ये घर की पहली रोटी बनाकर इनको दान देते हो तो ये तीनों ही ग्रह प्रसन्न होते हैं। और इसका सबसे उत्तम जो इसका उपाय है कि अगर आप हर रोज 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट ऐसे निकाले कि कुछ खाने की चीज़ें ले और किसी पार्क वगैरह में जा कर के बैठे जहाँ कौए भी आते हैं और कुत्ते भी आते हैं, कुछ देर आप कुत्तों को कुछ ना तो कुछ थोड़ा सा खिलाते रहें, उनकी ऊर्जा आपके आसपास बनेगी और साथ में कौओं को वहीं बैठे आप कुछ ना कुछ खिलाते हैं, तो ये पापी ग्रहों को प्रसन्न करते ही और ग्रहों की माँ यानी चंद्रमा का एक चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखते ही आपके रास्ते में आने वाली जितनी विघ्न बाधाएं वो सब हट करके आप समृद्धि के चरम तक पहुँचने की क्षमता अपने अंदर बना लें। बहुत अच्छा उपाय बताया है गुरुदेव ने। आगे बढ़ते हैं और आपकी तरक्की का ताला खोलने का एक खास उपाय गुरुदेव जल्द ही आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने आज के राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तो बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के जो लोग हैं वैसे तो हर काम को करने में आज सक्षम है, लेकिन अगर सुबह से किसी तरह की कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो गई, आपको किसी पे गुस्सा आ गया, तो आपके कामों में दिक्कत आएगी। और अगर आज आप भूखे रहे, ज़्यादा देर तक भूखे रहे, तो आपके काम बिल्कुल पूरी तरह से खराब भी हो सकते हैं। तो इसीलिए अपने दिन की शुरुआत ही मीठे भोजन से करें, कुछ भी मीठा खाएं,
और दिन के वक्त में अपने घर से ही कुछ मीठा लेकर के जाएं, गुड़ ले जाएं, चीनी ले जाएं, कुछ भी ले जाएं, दिन के वक्त में 2-3 बार गुड़ या मीठे का प्रयोग करिए ताकि पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ सके, काम करने वाले बहुत अच्छी तरह से काम कर सके। वृषभ राशि के लोग जो यादों में जी रहे हैं कि मैं फलाने से मिलूंगा, ये बात करूंगा, मेरे को उससे मिले बड़ी देर हो गई है, इस तरह की सोच जिनकी है, आज उनकी ये सोच पूरी होने वाली है। या तो स्वयं मेहमान बन के कोई ना कोई आपके घर में आएगा, या आप किसी से संपर्क करके लंबी लंबी बातों के अंदर अपने मन को खुशनुमा बनाएंगे, और इन सब के बीच में ज़रूरी करने वाले काम भी आपका साथ देंगे। और धन से संबंधित आप अगर कुछ भी आज के दिन खास करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी ये ऊर्जा आपका साथ देगी। और हाँ, आज के दिन जीवन साथी के साथ लड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर उनसे लड़ाई हो गई तो वो भी लंबी होगी। तो इनसे बचाव के लिए सबसे उत्तम मैंने आपको बताया कि मीठा खाएं और मीठा मंदिर के अंदर अर्पण करें। मिथुन राशि के लोग आज के दिन अगर अपने घर के बुजुर्गों से कोई सलाह करके कोई भी काम करें तो आपके लिए बहुत उत्तम है। और आज के दिन आपको किसी भी प्रकार के मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन बात आपके हालात के ऊपर डिपेंड है। कहीं से बातों में थोड़ी तारीफ मिल जाएगी और कहीं से हो सकता है आपको कोई अवार्ड ही मिल जाए, ठीक है, तो वो आपके जीवन के सीन के ऊपर आधारित है। आज के दिन खास तौर पे माता रानी की पूजा, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके लिए अमृतमय बनेगा, और जो सबसे बड़ी बात है, आपके बड़ों के द्वारा दी गई राय आपके लिए अमृतमय होगी। और आगे की राशि वाले थोड़ा सा इंतजार करें, जल्द ही आपके दिन का पूरा हाल भी गुरुदेव आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम अपने विषय पर वापस आते हैं और गुरुदेव से जानते हैं कि तरक्की के पीछे क्या ऑफिस या फिर घर का वास्तु भी कारण होता है। गुरुदेव, इसके बारे में जरा बताइए। ये सच्चाई है, कई बार आपने देखा होगा आप अपने घर बैठ के प्लानिंग बड़ी गजब की बनाते हैं और जिसके ऊपर आपको पूरी तरह से भरोसा होता है कि ये तो अप्लाई करते ही बस आपके हालात बदल जाएंगे, तरक्की मिल जाएगी, आप दुनिया जीत लेंगे। और ऑफिस में पहुंचते ही आप जब उसे इम्प्लीमेंट करने लगते हैं तो पहली 1 या 2 बातों के अंदर ही आपके उस बने हुए बंडल के हवा ही निकल जाती है और वो सक्सेस नहीं होता है। तो इसके पीछे कारण क्या होता है कि आपके घर का वास्तु के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन ऑफिस के अंदर वास्तु के अंदर गड़बड़ है। अब कई बार इसके विपरीत होता है कि इंसान घर पे कुछ नहीं सोच पाता और जैसे ही ऑफिस पहुंचता है उसका एकदम दिमाग चलने लगता है और वो सब कुछ इम्प्लीमेंट करके जाता भी है। अब रिजल्ट उसको अगले दिन देखने होते हैं, लेकिन अगले दिन जब आदमी आता है घर से, घर पहुंचते ही उसके विचार बदल जाते हैं और वो एक नई प्लानिंग सोच लेता है और दूसरे को उसको इम्प्लीमेंट करने की सोचता है। इनके बीच में चक्र में एक तरह का फंसा रहता है। तो ऐसे में अगर आपका घर पॉजिटिव है, वहाँ प्लान बनाते हैं और ऑफिस में जाते ही आपकी कार्य सिद्धि नहीं हो रही है, तो ऐसी अवस्था के अंदर आपका जो मान लो कमरा है, कैबिन है, आप उसको देखिए। अगर उसकी पश्चिम की दीवार के ऊपर कोई कॉपर कलर या कॉपर की कोई चीज़ लगी हुई है या फिर कोई पीतल की चीज़ लगी हुई है या वहाँ पर लाल रंग के अंदर कुछ ऐसा बैठा लगा रखा है आपने, चाहे वो शोपीस टाइप हो या वैसे वॉलपेपर हो या वहाँ पे कलर हो, तो आप सबसे पहले उसको ग्रे कलर का करवा दीजिए पश्चिम की दीवार को, ठीक है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। फिर आप अपने ऑफिस के कमरे को ही पूरा वास्तु में जाने, यानी कि पूरा घर उसी को जाने, तो उसके अंदर आपको करना क्या है, ख़ास तौर पर साउथ वेस्ट के अंदर आप अपनी कुर्सी लगाएं और साउथ वेस्ट के अंदर कुर्सी लगा करके उसको तब सोचना शुरू करिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जो कमरे का नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर आप सारी अच्छी चीज़ें रखें, लेकिन वहाँ मना क्या है, ब्लू कलर के कंचे, गोलियाँ, ब्लू कलर का कुछ भी वहाँ पर लगाना और वहाँ पर बंद घड़ी, खोटे सिक्के, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान टाइप कुछ भी पड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद पड़ा हुआ हो और जिनको बहुत देर से जलाया नहीं है, अगर इनको आप हटा देंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। पर वहाँ रखना क्या है, वहाँ सबसे उत्तम आप चांदी का कोई शो पीस लेकर के नॉर्थ वेस्ट के अंदर उसमें रखिए, और चांदी के शो पीस के अंदर अगर कोई चीज़ भरी जा सकती है तो उसके अंदर चावल भर के रख लीजिए। देखिए
एकदम से तरक्की का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि उधर हमने शनि को अच्छा किया है और इधर जन्म कुंडली का दूसरा घर जो आपकी वाणी और बोल करके पैसे कमाने का होता है, इसको अच्छा करने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो आज का ये जो एपिसोड है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी तरक्की के जो रास्ते हैं वो खुले और आप दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करें, तो आप जरूर गुरुदेव के बताए हुए उपायों को अमल में लाएं। गुरुदेव तीन और राशियां हैं, वो राशियां हैं कर्क, सिंह और कन्या। इन राशि वालों को आज के दिन क्या करना चाहिए ये भी बताइए। कर्क राशि के लोग आज सुबह से ही मन प्रसन्न है और आज के दिन आपका काम करने से ज्यादा एंजॉय करने का मन है। एंजॉय अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, या वैसे ही कुछ खुशी मनाने का मन है। और बिल्कुल आपको मना भी लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम आज आपका अटकने वाला नहीं है। जो फ़ोन पे होने वाले काम है वो भी आपके फ़ोन के ऊपर ही होते हैं, तो इसलिए डरने की कोई चिंता नहीं है, डर नहीं है। आज के दिन थोड़े से पानी के अंदर थोड़े से चावल ये डाल के घर के उत्तर पूर्व में स्थापित कर लीजिए, ये ऊर्जा आपको बहुत मदद देगी। आज सिंह राशि के लोग अगर आज शारीरिक अवस्था के लिए किसी प्रकार की कोई सलाह लेना चाहते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर जाना चाहिए, उसके लिए उत्तम दिन है। और आज के दिन में जो मिला हुआ इलाज आपके लिए पॉजिटिव हालात पैदा करेगा। एक बात और, जो लोगों का सरकारी काम अटका हुआ है, अगर आज वो काले और नीले रंग के कपड़े पहन के या पर्पल कलर के कपड़े पहन के नहीं घर से निकलेंगे, तो उनके लिए ज़्यादा उत्तम हालात होंगे। और जो सबसे बड़ी बात, आज के दिन थोड़ा सा गुड़ गेहूं किसी गरीब को दान देकर के दिन की शुरुआत करते हैं, तो ज़्यादातर दिन उत्तम रहेगा। कन्या राशि के लोग, कुछ असमंजस की स्थिति, वो क्या है, एक तरफ तो धन या किसी ज़रूरी चीज़ को पाने के लिए आप फिक्रमंद हैं, अभी तक पाई नहीं है, तो और ऊपर से अनचाहा प्रेशर यानी कि रिश्तेदारों की तरफ से, यार दोस्तों की तरफ से आपको काम दिया जाएगा या वो स्वयं मदद के लिए आपके पास आएंगे, तो उस असमंजस की स्थिति में आप फंस सकते हैं। लेकिन ये दिन को अगर आप पूरे धैर्य से चलाते हैं और सुबह की शुरुआत अगर आप परमात्मा के पूजन से, श्री लक्ष्मी नारायण के पूजन से शुरुआत करते हैं और कबूतरों को कुछ ना कुछ, चिड़ियों को कुछ ना कुछ दाना डाल के शुरुआत करते हैं, तो आप डिसीजन लेकर के वन साइडेडली आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। वो बात अलग है कि आज अगर काम नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। गुरुदेव आगे बढ़ते हैं और जरा आप ये बताइए कि क्या किसी तरीके के पेड़ पौधे भी तरक्की में बाधा डालते हैं क्या? कौन से पेड़ पौधे ऐसे हैं जो घर या ऑफिस के टेबल पर हमें रखना चाहिए, जो कि लकी है हमारे लिए? बहुत पुरानी कहावत है कि मनी प्लांट लगाओगे तो बहुत धन पाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग मनी प्लांट लगाते हैं वो सूख जाता है। फिर दूसरी चीज़ है कि आप तुलसी घर लगाओगे तो बहुत ही घर की सुख शांति और समृद्धि पाओगे, लेकिन लोग तुलसी लगाते हैं वो भी सूख जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो बताई, ऐसा ज्योतिष नहीं है बेटा कि इतनी आसानी से आपको कुछ भी मिल सके। आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को स्मेल नहीं आती, जिन लोगों को स्वाद नहीं आता, जिन लोगों को मसूड़ों की दिक्कत, दांतों की दिक्कत है, पेट की आंतों की दिक्कत है, या जिनको नसों से संबंधित पांव से लेकर सर तक किसी भी प्रकार की दिक्कत है या सर्वाइकल वगैरह है जिनको, इन लोगों को अपने घर में, अपने ऑफिस के अंदर किसी भी तरह के पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए। इस बात का खास ख्याल रख करके चलना। और जिनको ये दिक्कतें नहीं है, नसों से संबंधित तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ जिनको आंखों पे चश्मा लगा है या छोटी मोटी आंखों की ही दिक्कत है और एलर्जी थोड़ी बहुत ही कोई रहती है, लेकिन जो मैंने पहले बातें बताई उनमें से कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लोग अगर अपने आसपास के माहौल के अंदर इंडोर पौधे आजकल बहुत मिलते हैं, समझ ना, इनको लगा के रखते हैं। और ख़ास तौर पर बुध देव राजयोग कारक दो स्थानों पर, पहला है उत्तर पश्चिम और दूसरा है उत्तर पूर्व, तो यानी कि अगर आप समृद्धि बढ़ाने के लिए कोई इंडोर पौधे लगाना चाहते हैं अपने ऑफिस में हो चाहे घर में हो, तो आप उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व के अंदर आप लगाते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा। तब ये पौधे आपके मित्र बनके आपके मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके विचारों को ही ऐसा लेकर के आएंगे कि आप जहाँ जाएँ वहाँ सक्सेस पाएंगे।
एक और प्लांट होता है गुरुदेव, ये मेरा पर्सनल सवाल भी है, मनी प्लांट के बारे में कहते हैं कि मनी प्लांट घर में भी होना चाहिए, दफ्तर में भी होना चाहिए, ये क्या एक मिथ है या फिर वाकई में मनी प्लांट जो है वो सक्सेस का एक बड़ा रीजन होता है? एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होता है बेटा कि अगर शनिदेव मंदिर जा करके एक आदमी की कोठी बन गई तो पूरा मोहल्ला शनिदेव मंदिर में जा करके मिलता है, ऐसा नहीं है बेटा। वो एक पंजाबी में कहावत है, किसे लिए माँ बादी दे किसे लिए स्वादी, यानी कि कोई किसी को बाय कर जाते हैं और कई स्वाद से बहुत खाता है और ताकत भी पाता है। इसी प्रकार से मनी प्लांट की कहावत है, मैं अभी बता के हटाऊँ कि जिनके मसूड़ों में दिक्कत है, दांतों में दिक्कत है, जिनको नसों की दिक्कत है, पाँव की नसों की, पेट की नसों की दिक्कत है, जिनको सर्वाइकल है, इन लोगों के लिए मनी प्लांट, रबड़ प्लांट और तुलसी, ये तीन पौधे ऐसे हैं कि इनको उल्टा नुकसान देते हैं और इनका फ़ायदा नहीं होता। और जिनको ये दिखते नहीं हैं, अगर वो अपने घर के उत्तर पूर्व में या उत्तर पश्चिम के अंदर इन पौधों को स्थापित करते हैं, वो लोग इससे ज़रूर मालूम जाते हैं। तो इस तरह से चलिए, ये एक जो मिथ था या फिर कहे जो अक्सर लोग सोचते थे हमारे और आपके जैसे कि मनी प्लांट होना ज़रूरी है, ये भी मिथ तोड़ दिया है गुरुदेव ने। तीन राशियां रह गई हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि, इनके बारे में जानते हैं इनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तुला राशि के लोगों को भी आज के दिन काम के अंदर उतार चढ़ाव की स्थिति, पढ़ाई लिखाई वालों को भी ये कन्फ्यूज़न होगा कि आज ये वाला सब्जेक्ट पढ़े या ये वाला सब्जेक्ट पढ़े, और गृहस्थी वाले लोगों को भी कभी उनका चिचड़ा होने का मन करेगा और कभी अपने जीवन साथी को खुश रखने का मन होगा, तो बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है। इसके लिए सबसे उत्तम उपाय कि मंदिर जाएं, मंदिर जाकर के सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और आते हुए गाय को कुछ भी खाने को दे करके आएं, तो इस तरह से नेगेटिव ऊर्जा आपके पास से दूर रहेगी, पॉजिटिविटी के साथ आप अपने दिन को आप बेहतर बना देंगे। वृश्चिक राशि के लोग, आज अगर वृश्चिक राशि वालों ने किसी की बात का बुरा नहीं माना और अपनी ईगो अगर नहीं फंसाई और उस ईगो के चलते हुए अपने आप को ही डंक मारने वाला काम नहीं किया, तो दिन बढ़िया है। और ये सब बुराई ना हो इसके लिए थोड़ी सी मिश्री या घर पे जो भी दूध की, खोए की कोई मिठाई पड़ी है वो लेकर के अगर आप मंदिर में चढ़ा करके परमात्मा से आशीर्वाद लेते हैं तो दिन शुभ रहेगा। आज सिर्फ पॉजिटिव रहे, माफ़ करने की प्रवृत्ति में रहे। धनु राशि वालों के लिए अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ कुछ ना कुछ अनबन या परिवार के सदस्यों को कोई तकलीफ होना और उसके अंदर बिजी हो जाना, इस एक बुराई को छोड़ के और कोई बुराई आपके जीवन में आज के दिन में नहीं है। आपके आज के दिन के अंदर कार्यों के अंदर सफलता, जिसके साथ मिलकर के कोई भी आप प्लानिंग करते हैं, काम करना चाहते हैं, उसके अंदर सफलता, कोई खास आज प्लानिंग बना करके कोई नई चीज़ को शुरुआत करने के ऊपर चलते हैं, तो शुरुआत भले ही आज ना हो लेकिन उसकी प्लानिंग आपकी सक्षम रहेगी, लेकिन परिवार के लोग भी सुखी और समृद्ध रहे। इसके लिए गुड़ और गेहूं का दान अगर आज आप सुबह के वक्त में कर देंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। अब गुरुदेव, वो खास उपाय क्या है जो तरक्की में बाधा को दूर करेंगे और मन मुताबिक कामयाबी दिलाएंगे? इसके लिए लाल किताब के छोटे छोटे से उपाय बहुत बहुत का एहसास है। अब इसके अंदर जो सबसे पहला उपाय आता है वो उपाय आता है कि जो ग्रहों की माँ चंद्रमा, ये मंगल को काबू करने में, राहु को काबू करने में, शनि को काबू करने में इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा उदंडी ग्रह है, समझ गए ना। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो इंसान चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखता है उसको भी बहुत शानदार लाभ मिलते हैं अपने जीवन के अंदर किसी भी तरह की बाधाओं को हटा करके आगे बढ़ने में। दूसरा, जिस इंसान का बुध सही रहता है वो इंसान गलत डिसीजन नहीं लेता या वक्त पे चोट नहीं खाता, किसी के समझाते वक्त में वो सामने वाले का फ़ायदा नुकसान भी वो जांच ले। इसके लिए तांबे का, आप देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसके तड़ागी बांधते हैं और उस तड़ागी के अंदर दो चीज़ें ज़रूर होती है, एक होती है कौड़ी और दूसरा होता है तांबे का छेद वाला पैसा, है ना। वो सही मायने में उसके स्वास्थ्य को और बुद्धि को बहुत अच्छी तरह से वो डेवलप करे इसलिए बांधा जाता है। लेकिन अगर बाद में भी बुद्धि हमारी धोखा दे जाती है तो इसके लिए तो बहुत आसान है कि एक तांबे का छेद वाला पैसा लेकर सफ़ेद धागे में परो के अपने गले में डाल लीजिए, ये आपको बेनिफिट करेगा। लेकिन रोकती कौन सी चीज़ है? रोकती है बुध की बुरी एनर्जी।
और वो कहाँ उत्पन्न होती है? वो अगर घर के अंदर आपके उत्तर पूर्व के अंदर उपले जलाए जाते हैं, लकड़ी जलाई जाती है और जिन ऐसी कोई चीज़ कोयले जलाए जाते हैं जिनकी की राख बन जाती है, अगर घर के ये उत्तर पूर्व में हो, ये घर के लिए सबसे अशुभ शगुन होता है। ऐसे इंसान जितना मर्जी जोर लगाएं, जो मर्जी प्लानिंग करें, किसी के साथ मिलकर के चले, उनकी कामयाबी नहीं निकलती। जी। और दूसरा, आजकल एक प्रचलन है कि जाते हैं हवन कुंड की भभूति घर पे ले आते हैं, या किसी बाबा के यहाँ जाएंगे वहाँ से भभूति लेंगे। ये भभूति हर किसी को सूट नहीं करती। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब अवस्था में हो, बुध बृहस्पति के साथ बैठा हुआ हो, बुध बृहस्पति की राशि के अंदर बैठा हो, उनके घर पे भभूति आना यानी कि एक तरह का जीवन के अंदर जहर घुलने जैसा है। तो इसीलिए ये टेक्निकल चीज़ है, ये आप एस्ट्रो साइंस ऐप के ऊपर जा करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए, फ्री में वहाँ पर आपके लिए सब कुछ लिखा हुआ है। बस कूपन कोड जब अप्लाई करना उसमें जल यानी कि JAL भर दीजिए, आपको सारा सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। वहाँ अपनी प्रेडिक्शनों में जा कर के देखिए कि कहीं वाकई में वहाँ ये तो नहीं लिखा हुआ कि भभूति किसी भी सूरत में अपने घर पर ना लेके आएँ, मनी प्लांट, रबर प्लांट, तुलसी ना लगाएँ और तांबे का छेद वाला पैसा गले में धारण करें, चांदी का चकोर टुकड़े वाला, अगर वो आपका निकल रहा है तो आपको तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उपाय वहाँ व्यू रेमेडी में जाके देखिए, आपको सब मिलेगा। तो आप इन चीज़ों को करिए, इन चीज़ों को, ये टेक्निकल चीज़ें, इनको समझिए, क्योंकि जीवन चलाना कोई आसान नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता आपको किसी ने एक शब्द बोल दिया कि सारी ज़िंदगी सिद्ध हो गई। इसलिए अपना अपना जीवन जानने के लिए एस्ट्रो साइंस ऐप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इन उपायों को अपनाएं जो मैंने बताए हैं। खूब खुशी और खुशहाली के साथ आप जिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज के दिन को कैसे शुभ बना सकते हैं ये जानते हैं। मकर राशि के लोग अगर आज किसी की सुनी सुनाई बात को सुन करके, मान करके अगर अपने माहौल को खराब नहीं करते हैं तो दिन उत्तम। एक ही कमी आज आपके अंदर आ सकती है कि किसी ने आपको कुछ कहा, उसके क्लैरिफाई किए बिना आप अगर उससे कोई बैर रखने लगे तो आपका दिन खराब हो सकता है। तो किसी की भी सुनी सुनाई बात से आपने नहीं चलना। आज के दिन अगर आप परमात्मा को कुछ फूल अर्पण करते हैं या फल ही अर्पण करते हैं और उससे दिन की शुरुआत करते हैं और अपने आप को अगर समझा लेते हैं कि किसी की सुनी हुई बात के अनुसार किसी और पर आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपका दिन उत्तम। कुंभ राशि के लोगों को आज के दिन अगर माँ को आज गुस्सा नहीं चढ़ा और उसके साथ आपका क्लेश नहीं हुआ तो दिन उत्तम है। और अगर माँ के साथ क्लेश या गुस्से वाले हालात हुए या माँ स्वयं ही गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में आ गई या उसके स्वास्थ्य को दिक्कत आई, तब आप बाहर जाकर के भी जो काम करने वाले हैं उसके अंदर भी आपको तकलीफें अपने साथियों की तरफ से ही मिलेंगी। इस तरह का ना हो इसके लिए आज थोड़े से चावल और थोड़ी सी मिश्री मंदिर में अर्पण करने के बाद अपने दिन की शुरुआत करें ताकि माँ भी स्वस्थ रहे और आपका मन और दिन भी स्वस्थ रहे। मीन राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि आज आप कहीं ओवर ईटिंग ना कर लें या कुछ ऐसा ना खा लें जिसके वजह से आपके शरीर के अंदर हलचल हो। इस चीज़ से अपने आप को बचा के रखें। हर तरह से बाकी के अग्रह योग आपको पूरी सक्षमता दे रहा है। आज के दिन थोड़े से पीले फूल कोई भी हो मंदिर में अर्पण करके अपने दिन की शुरुआत करें तो दिन शुभ होगा। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 999-999-0522 पर। ज़्यादा जानकारी के लिए, जैसा गुरुदेव बता रहे थे, आप एक ऐप है एस्ट्रो साइंस ऐप, उससे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में और वहाँ पर आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके अकॉर्डिंगली मिलेगी। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।